हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और किशन, लेके आज आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। तो बड़ा सा एक पैकेट है मुझे मिला है, करीब कल मिला था, तो कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और ये आया है कॉमिक्स हवेली की तरफ से, आया तो क्या परचेज़ किया है जी। तो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी कॉमिक हवेली किताबें, क्या एक साथ ही इकट्ठी सारी आती हैं जब अच्छा खासा पैकेट बन जाता है। तो चलिए फटाफट से खोल लेते हैं इसको और मैं बताता हूँ कौन कौन सी कॉमिक्स मिली हैं इसमें, साथ में पोस्टर्स भी मिले हैं ये। ओहो, तो चलिए फटाफट से खोल लेते हैं इसको भी। तो कर लिया है सब चीज़ों को अनबॉक्स। तो सबसे पहले दिखाता हूँ पोस्टर, जो पोस्टर मुझे चाहिए थे वो पोस्टर मिल गए। प्रताप जी के बेहतरीन आर्टवर्क्स का कलेक्शन है ये पोस्टर्स। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो ये लीजिए, पोस्टर निकलने में थोड़ी दिक्कत दे रहे थे, निकाल लिए हैं खैर मैंने ये पोस्टर। तो देखिए, एक पोस्टर तो ये है प्रताप जी का बेहतरीन आर्टवर्क। थोड़ा सा टेबल को मैं अरेंज कर देता हूँ। ये लीजिए, दूसरा पोस्टर ये है भाई प्रताप मलिक जी वाला नागराज, तो ना क्लासिक नागराज जिसको बोलते हैं ना, गजब कातिल नागराज एक तरीके से। एक पोस्टर ये है, पोस्टर की क्वालिटी ठीक है, प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करूँगा, आर्टवर्क की क्वालिटी तो भाई साहब ज़बरदस्ती है, उसमें तो कोई इफ या बट है ही नहीं। प्रिंटिंग क्वालिटी भी ठीक है, ये देखिए। बेहतरीन पिरामिडो की रानी, बकोरा का जादू, बिग साइज में तो प्रताप जी का आर्टवर्क गजब ही दिख रहा है भाई साहब, बहुत गजब दिख रहा है। और ये देखिए, ये बकोरा का जादू का एक और पोस्टर है, आर्टवर्क कह सकते हैं आप इसको। इसको कवर होना चाहिए था यार, मस्त एकदम प्रीमियम क्वालिटी। और नागराज, क्या बेहतरीन नागराज। और ये है शाकुरा का चक्रव्यूह का कवर, इसकी जगह अनुपम सिन्हा जी का कवर प्रिंट हुआ था, हालांकि मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है, ये वाला प्रिंट होना चाहिए था कवर आर्ट। नागराज और थोड़ांगा, ये भी बेहतरीन है। और ये शेर से लड़ता हुआ हमारा प्यारा नागराज, ये पोस्टर मेरे पास था पहले बिग साइज में, अलमारी में लगा हुआ था, फिर शायद श्रीमती जी ने उसको निकाल के यहाँ वहाँ कहीं कर दिया। खैर, प्रताप जी के बेहतरीन आर्टवर्क, भैया मज़ा ही आ गया। अब बात कर लेते हैं कॉमिक्सों की, ठीक है। तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं ध्रुवोदय का, ठीक है। तो इसको जल्दी से मैं खोल लेता हूँ। और ये क्या है, बड़ा अफसोस होता है यार ये चीज़ें देख के, जब साला इतने पैसे खर्च करके चीज़ मंगाओ और चीज़ अच्छी ना निकले। इसमें भी बाइंडिंग का थोड़ा बहुत इश्यू है शायद, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है। और ये लीजिए, ठीक है, तो ये स्टार टाइप का बना हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको चिपकाना पड़ेगा। बॉक्स, अच्छा, और इसके अंदर ये ध्रुवोदय रखी हुई है, ध्रुवोदय इससे निकल के ये बाहर आ जाएगी। और पीछे हमें कुछ एक पोस्टर मिला है, ये देखिए इसके अंदर ही, इसको पोस्टर में ही रख देंगे। उसके अलावा कुछ एक ट्रेडिंग कार्ड वगैरह कुछ मिले हैं, ये वही कवर आर्ट पूरे कलर में बना हुआ है। और पीछे कुछ मैग्नेट वगैरह मिले हैं, इनको मैं खोल के दिखाऊंगा। और हमारा ध्रुवोदय का
कलेक्टर एडिशन। एक बात आप लोगों को बता दूं, ये जो लोगो है यहाँ पर दिख रहा है ध्रुवोदय का, ये मेरा ही बनाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैंने ही बना के दिया था। बढ़िया है जी, इसलिए इसको मंगाना ज़रूरी था, यहाँ भी बना हुआ है। और ये इसका बैक है, और इस बुक में है, सबसे पहले तो इसकी बाइंडिंग चेक करेंगे साहब, क्योंकि राज कॉमिक्स का जो युगार मार्ग था बाइंडिंग का बड़ा इशू था। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये है बाइंडिंग, इसमें बाइंडिंग का कोई भी इशू नहीं है, ये देखिए ठीक है ना। तो ये बाइंडिंग चिपकी रहेगी, लेकिन इसको इस तरह चिपकाना चाहिए था, लेकिन उससे तो कहीं लाख गुना बेहतर है युगारंभ से। अंदर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें है इश्यूज, शुरू शुरू में कवर डाल दी इन लोगों ने, प्रतिशोध की ज्वाला जी, कुल मिला के वही चार पांच इश्यू हैं, प्रतिशोध की ज्वाला, रोमन हत्यारा, ये प्रतिशोध की ज्वाला है, एक बुक मार्क, फिर रोमन हत्यारा, ये देखिए वही कवर लगे हुए, पुनी कबीला का एड, आदमखोरों का स्वर्ग, स्वर्ग की तबाही और मौत का ओलंपिक। तो बस यही है इसके अंदर। खैर ये तो इश्यू मैंने इसलिए मंगाया है जिससे कि ये लोगो मेरे पास सेफ रहे, क्योंकि मैंने इस पर काम किया है, और कोई रीज़न नहीं था इसको मंगाने का। और ठीक है, एक कलेक्टर एडिशन भी हो जाए इसी बहाने एक, और इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। अच्छा, इसके जो स्टिकर वगैरह थे वो सब भी इसी में डाल के रख देता हूँ, जो भी चीज़ें मिली थी। हालांकि ये कॉमिक्स पड़ी हुई है, हम सबकी ही पड़ी हुई है, तो बस कलेक्शन के लिए ये देखिए, वाह, मतलब ये क्या है, गमिंग ही ढंग से की हुई नहीं है यार। राज कॉमिक्स वाले क्या क्वालिटी चेक नहीं करते हैं लगता है अपने प्रोडक्ट्स की। यहाँ चिपकाना पड़ेगा गमिंग, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और मेरे साथ ऐसा पता नहीं क्यों होता है, बड़ा ही अजीबोगरीब डायलॉग है ये, लेकिन अब हुआ है तो भाई साहब हुआ है। चलिए इसको रख देते हैं साइड में, कहाँ रखूँ, यहाँ रख देता हूँ उसको, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं बाकी कॉमिक्सों की। तो बाकी कॉमिक्स जो हैं, सबसे पहले ये कलेक्टर एडिशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो रवि जी ने एक ही कलेक्टर एडिशन भेजा है हमें, चक, दो कलेक्टर एडिशन उन्होंने भेजे ही नहीं है। चलिए क्या हो रहा है भाई, तो ये चक्र का कलेक्टर एडिशन है, कुछ खास नहीं। मैंने दो और मंगाए थे परकाले वगैरह और वो भी, लेकिन वो मिले नहीं हैं, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ चक्र का, मेरे पास ओरिजिनल तो नहीं, रीप्रिंट पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, तो ये इसका रीप्रिंट था, अभी ये रिलीज़ हुआ था, मनोज गुप्ता जी ने किया था, और ये भी मनोज गुप्ता जी का ही है कलेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये है चक्र का कलेक्टर एडिशन, चक्र का नॉर्मल। दूसरी चीज़ हमें ये मिली थी, मैंने रख दी है। और अब बात कर लेते हैं विंटेज कॉमिक्सों की। तो सबसे पहले डोगा का तो अच्छे से पैक है, संजय गुप्ता जी द्वारा भेजा गया, इनकी बात कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर कॉमिक्स थी, काफ़ी लोगों के पास नहीं थी ये, और अच्छा किया इनको रिप्रिंट करके। तो इसमें पहली जो बुक थी वो थी चमत्कारी भोगाल, यहाँ पर, और ओरिजिनल सेट डिटेल के साथ प्रिंट हुई है। वाओ, नागराज और मिस कलर का शानदार आर्टवर्क। उसके बाद थी महागुरु भोगाल, मैंने ऊपर नीचे जचा रखी है इसको। इसके बाद आई थी महागुरु भोकाल, और इसमें भी वही सेम प्रताप जी का बेहतरीन आर्टवर्क है, ये देखिए प्रताप जी के आर्टवर्क के तो क्या कहना है भाई, वही सेम सैड डिटेल के साथ।
पीछे तू तेन तू का ऐड है लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। फिर आई थी शक्तिशाली, प्रिंटिंग क्वालिटी ठीक है ऑरिजिनल साइड डिटेल के साथ। तो ये पूरी सीरीज़ थी आगे तक जाती हुई और काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी। इसके बाद मैं महायोद्धा चिपक गई, महायोद्धा सुपर आर्टवर्क, उसके बाद में पाताल हत्यारा मेरे हिसाब से। हाँ पाताल हत्यारा, इसका जो भोकाल था ना मेरा फेवरेट भोकाल है, मतलब बढ़िया बनाया बिल्कुल एकदम। प्रताप जी के आर्टवर्क का तो कहने ही क्या, ठीक है। कांजा का ऐड है पीछे, पाताल हत्यारा, फिर नरक जाल की मेरे हिसाब से देख लेते हैं। पता लगता है ना नरक जाल, वज्रा और कालीकंठी, ऐसे ही था शायद इसका। हाँ नरक जाल मेरी हालांकि ये पड़ी हुई है नरक जाल, और ये सीरीज़ बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात तो प्रताप जी के जो कवर हैं मनमोहक, इनके कारण। दूसरा अंदर आर्टवर्क भी चंदू जी का था, वज्रा नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी भोकाल बड़ा सुंदर बना हुआ है। और फिर सबसे आखिरी पार्ट था कालीकंठी। इसके बाद में कहानी ख़त्म थी। देखिए तो काफ़ी लंबी सीरीज़ थी ये, और अब इस सीरीज़ के मेरे पास ओरिजिनल इश्यू भी पड़े हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। मेरे पास जो ओरिजिनल इश्यूज़ के पड़े हुए हैं यहाँ पे पड़े हैं, ये देखिए, ये सब ओरिजिनल इश्यू हैं चमत्कारी भोकाल, जैसा कि आप देख सकते हैं उसी टाइम के जब ये रिलीज़ हुई थी। तो मैंने ये मंगा ली है उसके ओरिजिनल नए कवर के लिए, महागुरु भोकाल। ये देखिए इसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है मेरे पास, शक्तिशाली महायोद्धा, ये सब वही 6 रुपये प्रिंट MRP के, सब के सब ओरिजिनल इशू। पाताल हत्यारा, और इस इन काफ़ी किताबों की तो कंडीशन एकदम मिंट है, जैसे ये देखिए कहीं से भी कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं। नरक जाल, वज्रा और कालीकंठी, तो ये सारे ओरिजिनल इशू, ये सारे रीप्रिंट इशू। एक कॉपी मंगा ली भाई मैंने, कहा चलो एक कॉपी और पड़ी रहेगी क्योंकि ये वक्त की मार से थोड़े से पुराने हो गए हैं, लेकिन ज़्यादा वर्थ इनकी है। खैर जिनके पास नहीं है ये कलेक्शन वो इस कलेक्शन को कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही रीज़नेबल रेट में आपको ये कॉमिक्स मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए। चलिए आप बात कर लेते हैं आखिरी पैकेट की, जो कि है ये डोगा वाला, ठीक है। रबड़ वबड़ लगा के, पन्नी उन्नी लगा के अच्छे से भेजा है, तो इनको मैं पन्नी में ही पड़ा रहने देता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है इन्होंने इसको रीप्रिंट किया है, लेकिन अभी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने इनको रीप्रिंट किया है प्रताप जी के कवर्स के साथ में, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें भी मेरे को याद है कौन कौन सा इशू, तो सबसे पहला इशू था कर्फ्यू, प्रताप जी का बेहतरीन कवर, पीछे कुछ हमें गुडीज़ मिली है, ये सब खोल के नहीं बताऊँगा मैं, अदरवाइज़ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कर्फ्यू के बाद में हमारे पास आती है ये है डोगा, बढ़िया डोगा की दूसरी कॉमिक्स। उसके बाद में मैं हूँ डोगा। अच्छा इससे जुड़ा मैं किस्सा बताता हूँ, मैं सबसे पहले इस कॉमिक्स को लेके आ गया था मैं हूँ डोगा को, फिर मैं पढ़ने बैठा तो पता पड़ा यार इसका पहले का भी एक पार्ट है ये है डोगा, फिर मैं ये है डोगा लेके आया, मैंने कहा अब इससे पढ़ता हूँ। अब इसको पढ़ना शुरू किया तो पता चला इससे पहले का पार्ट है कर्फ्यू, फिर मैं कर्फ्यू लेके आया, तो फिर जाके मैंने कर्फ्यू से लेके इसको पढ़ा। बस मेरा एक किस्सा था तो मैं सोचा आपको बता दूँ। तो मैंने ये उल्टे क्रम में किताबें लेके आया, फिर उसके बाद में आई थी मेरे हिसाब से अदरक चाचा, कर्फ्यू ये है डोगा मैं हूँ डोगा अदरक चाचा, फिर इंस्पेक्टर चीता आई गेस, इंस्पेक्टर चीता, फिर गेंडा आई थी क्या मेरे हिसाब से, मुझे देखिए आइडिया नहीं है, काफ़ी पुरानी बात हो गई है, क्या पता सब उल्टी पुल्टी हों।
मैं बता देता हूँ आपको जो जो कॉमिक्स हमें मिली है। गेंडा, कुत्ता फौज, तो सब प्रताप जी के बेहतरीन कवर्स के साथ है। चोर सिपाही, ठीक है, तो ये हमें डोगा कॉमिक्स मिले हैं। इसके भी मेरे पास ओरिजिनल पड़े हुए हैं, आगे तक के पड़े हुए हैं शायद मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये है कर्फ्यू, कंडीशन थोड़ी ख़राब है क्योंकि भाई पुरानी कॉमिक्स है, ओरिजिनल कॉमिक्स है। ये है डोगा, इसकी कंडीशन एकदम बढ़िया है, मिंट बिल्कुल, देखिए कहीं से भी कटी फटी नहीं है। उसके बाद में है मैं हूँ डोगा, इसकी कंडीशन भी थोड़ी सी ऐसे ही है। मैं चाहता था कि ये कॉमिक्स मुझे थोड़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाए, लेकिन अब अच्छी कंडीशन में मिली है रीप्रिंट। फिर अदरक चाचा, इसकी कंडीशन भी मतलब आप पुरानी कॉमिक्स से हैं तब क्या करें जी, यही कंडीशन में मिलेंगी। और ये वाली रीप्रिंट है, ये देखिए। गेंडा, ये भी ओरिजिनल है, ये देखिए। चोर सिपाही, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल प्रिंट है और बिल्कुल मिंट कंडीशन में है मेरे पास में। कुत्ता फौज, और इंस्पेक्टर चीता, तो ये सब मेरे पास ओरिजिनल इश्यू है। तो कुल मिला के मुझे कॉमिक्स से रिसीव हुई थी कॉमिक हवेली की तरफ से, तो मैंने एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो बना दिया आपके लिए। बस इस वीडियो के लिए इतना था, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।